यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, बीए फाइनल ईयर थर्ड ईयर, उसके एग्जाम अवश्य होंगे और वो उसकी संभावना है कि सितंबर में होंगे। अगर सितंबर में इम्तिहान देंगे तो आगे बच्चे आगे क्लासेस में एक साल तो उनका मारा गया, और दूसरा एग्जाम कराना क्या संभव है? कोरोना वायरस के केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं, सरकार भी जोर दे रही है कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, क्राउड में ना जाओ, तो इसमें तो क्राउड भी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती, तो ये क्या बात कर रहे हैं? पिछले जो परफॉर्मेंस है बच्चे का उसके आधार पर उनको पास किया जाना चाहिए, बगैर एग्जाम के पास किया जाना चाहिए, इसमें जरा भी कोई संदेह की बात नहीं है। और दूसरा ये स्कूलों के लिए भी है, कॉलेजेस के लिए भी है, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए, सरकारी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। जब लॉकडाउन के दौरान में सभी एक्टिविटीज बंद है, जो आय के साधन अधिकांश लोगों के खत्म है, बेरोजगारी का आलम है, तो बच्चों के स्कूल का और कॉलेज का पैसा कैसे देंगे, फीस कैसे देंगे? तो इसलिए एनएसयूआई ने मुहिम चलाई है और डिमांड किया है कि 6 महीने की फीस माफ की जानी चाहिए। मैं एनएसयूआई के इस मुहिम के साथ समर्थन करता हूं।